हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द आइडियल एक्सपर्ट चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिविटी फूड डॉट एक्सएमएल एंड रो फाइल को क्रिएट किया था। अभी हम इस वीडियो में हम डॉट जावा फाइल में इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। तो इसको हम जावा कोड में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इस स्क्रीनशॉट को क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले हम जाते हैं फूड एक्टिविटी की तरफ, फूड एक्टिविटी डॉट जावा की तरफ। तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ एंड ऐप कॉम्पैक्टिविटी के नीचे आपको लिस्ट व्यू को वेरिएबल को यूज़ करना होगा। तो मैं सबसे पहले लिस्ट व्यू यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। लिस्ट व्यू ओके एंड ऑन क्रिएट के मेथड आपको इसको डिक्लेयर करना होगा। तो मैं इसको डिक्लेयर कर देता हूँ, लिस्ट व्यू इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट, जो भी आपने लिस्ट व्यू की आईडी दी थी आपको यहाँ पे दे देनी है। तो मैंने लिस्ट दी थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दी है। आपको भी सबसे पहले स्ट्रिंग यूज़ करना होगा, क्योंकि जो यहाँ पे टेक्स्ट दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट में, जो टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, आपको ये स्ट्रिंग से ही मिलेगा। ओके, तो हमें स्ट्रिंग यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले एक्टिविटी फुट के नीचे आना होगा। तो मैं एक्टिविटी फुट के नीचे एक कोड क्रिएट कर देता हूँ स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग आपको एरे का साइन दे देना है, स्ट्रिंग एरे टी स्टोरी इज इक्वल टू गेट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग एरे आर डॉट एरे। तो आप देख सकते हो एरे अभी यहाँ पे एरर शो हो रहा है, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में अभी तक एरे नाम का कोई भी ऐसा क्रिएट नहीं किया। तो हमें सबसे पहले स्ट्रिंग डॉट एग्जामिन में जाना होगा एंड यहाँ पे एरे क्रिएट करना होगा। तो मैं स्ट्रिंग के नीचे यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे स्ट्रिंग एरे यूज करना होगा एंड इसको क्लोज करना होगा। तो सबसे पहले मैं स्ट्रिंग एरे का नाम दे देता हूँ टाइटल स्टोरी एंड इसको मैं क्लोज करता हूँ। एंड इसमें आपको 15 आइटम लेने हैं, क्योंकि हमने 15 एक्टिविटी को ओपन करना है। ओके, आप कितने भी ले सकते हो। तो मैं इसको 15 आइटम ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ से आइटम को क्रिएट किया एंड क्लोज कर दिया। तो अब मैं कंट्रोल डी से प्रेस करता हूँ एंड कितने भी मैं यहाँ से आइटम ले लेता हूँ। सैंपल के लिए मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है, या फिर कितने भी आप ले सकते हो। तो आपको यहाँ पे जिस भी हेडिंग का नेम रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमारी हेडिंग रहेगी आपको यहाँ पे लिखना है एक एक करके, बिल्ड फॉर मशन, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बिल्ड फॉर मसल्स एंड सेकेंड आपको लिखना है रिप्लेस कॉपी विथ मैचा ग्रीन टी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, आपको सेकंड में लिखना है रिप्लेस विद मैचा लिख देना आपको यहां से ग्रीन टी एंड थर्ड में आपको लिख देना है टेक्स्ट में जस्ट कीप मूविंग आपको कुछ भी लिखना है, आपकी मर्जी, टेक्स्ट कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं अभी डिफॉल्ट कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, स्टॉप काउंटिंग डू जॉब डू योगा एंड यहाँ से आपको मेक वन मिल। मैं अभी के लिए कुछ भी लिख रहा हूँ टेम्प्ररी के लिए, ओके। आप यहाँ से मल्टीपल यूज कर सकते हो, मैं इतने ही रहने देता हूँ अभी के लिए। तो हमने यहाँ पे 6 क्रिएट कर दिए, सॉरी हमने यहाँ पे 7 क्रिएट कर दिए। आपको जितने यहाँ पे यूज़ किए हैं टाइटल स्टोरी में, आपको यहाँ पे स्ट्रिंग एरे एक अगेन यूज करना होगा। मैं स्ट्रिंग एरे बना देता हूँ डिटेल स्टोरी के लिए। डिटेल स्टोरी
एंड इसको भी क्लोज करना होगा। इसको क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे आइटम यूज करना होगा एंड आइटम को भी क्लोज करना होगा। इसके बाद आपको कंट्रोल डी करते जाना है, 7 आपको ऐसे क्रिएट करने हैं एंड यहाँ से आपको हेडिंग दे देनी है। मैं यहाँ से हेडिंग दे देता हूँ डिटेल एक्टिविटी के लिए। मैं सबसे पहले आपको डिटेल एक्टिविटी का स्क्रीन कैसे रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीनशॉट ओपन होने के बाद, या ऐसे डिटेल एक्टिविटी हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे बिल्ड फॉर मसल्स पे क्लिक करेंगे हम, तो आपके सामने एक ऐसे एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। ओके, तो हमें डिटेल एक्टिविटी यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट रहेगा वो स्ट्रिंग से विजिबल हो जाएगा। तो हमें स्ट्रिंग में डिटेल कुछ भी लिख देना आपको, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ यहाँ से एंड यहाँ से मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर देता हूँ एंड आपको डॉट देना है एंड आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं कुछ भी लिख देता हूँ टेम्पररी के लिए। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ से। ओके, ऐसे ही आपको क्रिएट करना है। अगेन मैं सेकेंड को कर देता हूँ रिप्लेस विद मैचा ग्रीन टी, इसको मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे यूज़ करता हूँ। सेम अगेन मैं कुछ भी लिख देता हूँ। अगेन हमें तो ऐसे मैं जल्दी जल्दी 7 क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली क्रिएट कर दिया स्ट्रिंग में टाइटल स्टोरी एंड डिटेल स्टोरी। तो अभी हमारा एरे क्रिएट हो चुका है। अभी मैं फूड एक्टिविटी में जाके इन एरे को यूज़ कर सकता हूँ। तो सबसे पहले हमें फूड एक्टिविटी में जाना होगा एंड इस एरे को यूज़ करना होगा। तो मैं सबसे पहले आर डॉट एरे लिख देता हूँ यहाँ पे। देख सकते हो अभी हमारा एरे विजिबल हो रहा है एंड यहाँ से आपको टाइटल स्टोरी यूज़ करना होगा। तो मैं टाइटल स्टोरी दे देता हूँ यहाँ से एंड आपको अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करना होगा, बट आपको अभी डिटेल स्टोरी यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ मैं फाइनल लगा देता हूँ, फाइनल कैपिटल स्ट्रिंग डी स्टोरी इज इक्वल टू, बट यहाँ पे स्ट्रिंग में यहाँ पे एरर शो हो रहा है तो मैं अगेन यहाँ पे स्ट्रिंग सिलेक्ट कर देता हूँ। हाँ, आपको ये ध्यान में रखना है स्ट्रिंग के बाद आपको एरे का साइन दे देना है, इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा था। तो मैं डबल इसको क्रिएट कर देता हूँ। फाइनल स्ट्रिंग एरे डी स्टोरी इज इक्वल टू गेट रिसोर्स डॉट गेट स्ट्रिंग एरे आर डॉट एरे डिटेल स्टोरी। आपको सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है एंड इसके बाद में आपको लिस्ट व्यू यूज करना है, लिस्ट व्यू डॉट सेट एडेप्टर एंड इसके बाद में आपको एडेप्टर पास कर देना है।
तुम्हें अडेप्टर पास कर देता हूँ, अडेप्टर। ओके, बट यहाँ पे एरर शो हो रहा है क्योंकि ऐसा हमें यूज नहीं करना है। यहाँ पे लिस्ट व्यू को अभी यहाँ से पास मत कीजिए, हम इसको नीचे पास कर देंगे। ओके, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ एंड लिस्ट व्यू में आ जाना हमें, एंड हम लिस्ट व्यू में अभी वर्क करते हैं। ओके, तो एरे अडेप्टर हम यहाँ पे स्ट्रिंग पास कर देने हैं, स्ट्रिंग अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर, एंड हमें यहाँ पे स्ट्रिंग अगेन पास कर देनी है। तो मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, सॉरी आपको ध्यान में रखना है जो स्ट्रिंग पास करना है हमें यहाँ पे पास करना है। तो मैं कंट्रोल एक्स कर देता हूँ यहाँ से, तो मैं अगेन इसको जल्दी जल्दी क्रिएट करके बता देता हूँ। यहाँ से मेरे से बैक हो चुका है एरे अडेप्टर, तो मैं अगेन यहाँ से क्रिएट करके बता देता हूँ क्योंकि मेरे से बैक हो चुका है। एरे अडेप्टर यूज़ करना है, सिंबल का यूज़ करना है, स्ट्रिंग यूज़ करना है, स्ट्रिंग के बाद आपको अडेप्टर यूज़ करना है। अडेप्टर इज इक्वल टू न्यू एरे अडेप्टर यूज़ करना है, ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है इसमें आपको स्ट्रिंग यूज़ करना है। स्ट्रिंग यूज़ करने के बाद आपको जिस कॉन्टेक्टिविटी में हो, दिस कॉमा आर डॉट लेआउट, क्योंकि हमने रो एक्टिविटी को भी क्रिएट किया था, तो आपको सबसे पहले रो यहाँ से सिलेक्ट कर देनी है, रो कॉमा, अगेन हमने एक क्रिएट की थी आर डॉट आई डी डॉट, हमें यहाँ से रो टेक्स्ट दे देना है। ओके, जो हमारी एडिट थी टेक्स्ट के लिए, एंड कॉमा टी स्टोरी को पास कर देना है, जो भी हमारा टाइटल होगा उसको पास कर देना है, एंड यहाँ से हमें सेमी कॉलन को यूज़ करना है। यूज़ करने के बाद आपको लिस्ट व्यू को लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर को कर देना है, लिस्ट व्यू डॉट सेट अडेप्टर, एंड जो भी हमारा अडेप्टर रहेगा अभी हमें इसे पास करना है। ओके, यहाँ पे हमें पास नहीं करना है, यहाँ पे हमें इस अडेप्टर को पास कर देना है। इसके बाद में हमें लिस्ट व्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसकी एक्टिविटी हमें परफॉर्म करनी है। लिस्ट व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो डिफॉल्ट यहाँ पे बहुत सारा कोड आ चुका है। तो यहाँ से आपको स्ट्रिंग यूज करना है, स्ट्रिंग टी इज इक्वल टू डी स्टोरी, एंड यहाँ से आपको एरे में पोजीशन को पास कर देना है। तो मैं पोजीशन को पास कर देता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ से आपको सेमी कॉलम से क्लोज कर देना है। आपको यहाँ से इंटेंट पास कर देना है, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट, आपको जिस एक्टिविटी में हो उस एक्टिविटी का नाम लिख देना है, फूड एक्टिविटी डॉट दिस, एंड जिस एक्टिविटी में आप जंप करोगे उस एक्टिविटी का भी नेम लिख देना है। तो मैं फूड एक्टिविटी डिटेल्स डॉट क्लास लिख देता हूँ, बट इस नेम से हमारी अभी तक एक्टिविटी क्रिएट नहीं हुई है तो इसलिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो हम बाद में इसको क्रिएट कर देंगे, आपको सबसे पहले स्मॉल इंटेंट को पास कर देना है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, एंड जो भी हमारी स्टोरी रहेगी आपको यहाँ से पास कर देनी है, स्टोरी कॉमा टी। ओके, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज करना है। उसके बाद आपको स्टार्ट एक्टिविटी यूज करनी है एंड इंटेंट को पास कर देना है। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कम्प्लीटली वर्क हो चुका है, बट आपको जो फूड एक्टिविटी डिटेल्स दिखाई दे रही है आपको कंट्रोल सी सी से को कॉपी करना होगा एंड एक एक्टिविटी क्रिएट करनी होगी। तो मैं इसको एक्टिविटी क्रिएट कर देता हूँ, एक्टिविटी एम्प्टी एक्टिविटी एंड फिनिश। जैसे मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ जो भी हमारा एरर रहेगा कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अभी हमारा एरर रिजॉल्व हो चुका है। अभी हमें सबसे पहले एक्टिविटी फूड में जाना होगा जो हमने डॉट एग्जाम्पल फाइल क्रिएट किया है, एंड यहाँ पे हमने एक एरर छोड़ दिया था, हमें इसको रिजॉल्व करना होगा, फूड गो बैक। तो आप देख सकते हो फूड गो बैक यहाँ पे एरर था, यहाँ पे भी रिजॉल्व हो चुका है, सॉरी रिजॉल्व नहीं हुआ है,
तो इसको रिजोल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ पे अल्ट एंटर प्रेस करना होगा एंड इसके बाद में आपको फूड गो बैक इन फूड एक्टिविटी पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो फूड एक्टिविटी में एक यहाँ पे कोड क्रिएट हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे कोड को एंटर करना होगा। यहाँ पे इंटेंट पास कर देते हम, इंटेंट इंटेंट इज इक्वल टू न्यू ऑफ इंटेंट। अभी हमें जिस एक्टिविटी में उस एक्टिविटी का नाम लिखना है फूड एक्टिविटी डॉट दिस कॉमा, जिस एक्टिविटी में हमें जाना है फूड डिटेल एक्टिविटी डॉट क्लास एंड सेमी कॉलम से इसको भी क्लोज कर देना है एंड आपको स्टार्ट एक्टिविटी पास कर देना है। स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट तो मैं पास कर देता हूँ इंटेंट को, तो भी आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली वर्क हो चुका है एंड इसको अभी हमें फिनिश लिख देना है। ओके फिनिश, तो आप देख सकते हो अभी हमारा कोड का काम हो चुका है। बट आपको यहाँ पे ऑन बैक प्रेस मेथड भी यूज करना होगा, तो मैं कंट्रोल ओ कर देता हूँ एंड यहाँ पे ऑन बैक प्रेस को सर्च कर देता हूँ। जैसे मैं ऑन बैक प्रेस पे एंटर कर देता हूँ तो आपके सामने एक कोड ओपन हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पे इंटेंट पास करना होगा ऑन बैक प्रेस मेथड में। जैसे हम फूड एक्टिविटी में हैं, उस एक्टिविटी में होने के बाद आपको मेन एक्टिविटी में जाना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटेंट का यूज करता हूँ मैं यहाँ। सॉरी, आपको ध्यान में रखना है फूड गो एक्टिविटी में आपको यहाँ पे मेन एक्टिविटी में जाना होगा, क्योंकि जैसे हम बैक पे क्लिक करेंगे आपको मेन एक्टिविटी में जाना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो भी मेन एक्टिविटी में आपको रिडायरेक्ट होना होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेन एक्टिविटी को पास कर दिया। एंड ऑन बैक प्रेस मेथड में भी आपको उसको ही इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं इस कोड को कॉपी कर देता हूँ एंड ऑन बैक प्रेस मेथड में भी इसको यूज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी हमारा कंप्लीटली कोड क्रिएट हो चुका है, तो मैं अभी सब फाइल को क्लोज कर देता हूँ एंड अभी अपने मोबाइल डिवाइस को मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो मेरा मोबाइल डिवाइस यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है, तो मैं अभी रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं रन ऐप पे क्लिक कर देता हूँ ग्रेडल बिल्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो हम ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने तक वेट करते हैं एंड ग्रेडल बिल्ड फिनिश होने के बाद हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रेडल बिल्ड फिनिश हो चुका है एंड थोड़ी देर में हमारे मोबाइल डिवाइस में ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे योगा डेमो ऐप पे एक सिंबल आ चुका है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे स्प्लैश स्क्रीन ओपन हो जाएगी एंड प्रीवियस वीडियो में हमने बिफोर एज 18 एंड आफ्टर एज 18 के बारे में बात कर लिए थे। ओके, तो आपको मैं अगेन एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। अभी हम न्यूट्रिशन और टिप्स के लिए हमने कोड क्रिएट किया, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हो जो जो हमने, मैं आपको सबसे पहले स्ट्रिंग में लेके चला जाता हूँ प्रोजेक्ट में, तो आप देख सकते हो जो हमने हेडिंग दी थी यहाँ से बिल्ड फॉर मसल्स रिप्लेस विथ मैचा ग्रीन, जो जो हमने स्ट्रिंग टाइटल स्टोरी में हेडिंग देते वही हेडिंग आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसको क्रिएट कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट करना है, ऐसे आपको इतने ही क्रिएट नहीं करना है। मैंने टेम्पररी अभी इतने क्रिएट किए, बट हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं टाइटल पे तो यहाँ पे एम्प्टी एक्टिविटी ओपन हो रही। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम इसको कैसे ओपन कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, तो इस एक्टिविटी को कैसे ओपन कर सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं। ओके, तो आई होप गाइस जो भी मैंने आपको फूड एक्टिविटी के बारे में कोड समझा होगा आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।